1994 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करण जो एक सबब फोन रिकॉर्डिंग हो। फोन टेप करण के ऑफिशियल सेक्रेटरियट एक्ट के खिलाफ वर्जी है। अदलिया ऑडियो लीक जो नोटिस वे इमरान खान वीडियो लिंक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सियासतदान जहा फोन रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल कर इस्तेमाल क्या वन था। वजीर अजम की हैसियत में पर्सनल सेक्रेटरी से गाल बोल रिकॉर्ड कई पी शहबाज शरीफ ए मरियम नवाज जो भी ऑडियो लीक कई व्यू। अदलिया इन मामले जो नोटिस वी जांच कराए। न पर ईमानदार जजेस की जरूरत है। परवेज इलाही वारी ऑडियो अचण का इस्तीफा अचान घुर्जे हाँ ऑडियो उन्हें अचन थी। अदलिया खिलाफ मुहिम जो इल्जाम नून लीग से लगाया वे तो। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन के खिताब कदे मरियम नवाज नवाज शरीफ खिलाफ हरकत में इंदड़ कानून इमरान खान के मामले से छो खामोश है। नवाज शरीफ मुल्क की खिदमत कई बिजली जहा नवा मनसूबा कायम कर लोडशेडिंग खत्म कई। इमरान खान घड़ियों चोराइंदड़ रो महंगाई जो बो नालो इमरान खान है। महंगाई ए इमरान खान के मुल्क में बाहर कढ़ी छींदी मुल्क के महंगाई की दुबण में धिकींदड़ पा जमान पारक के बैंकर में लिखी वेठो है। न इलेक्शन की तारीख दई सकूं था न ही मुशावरत कर सकूं था। इलेक्शन कमीशन पंजाब ए खैबर पख्तूनख्वा में चूंडू कराने वे मामले ते ऐवान सदर के मुशावरत में शामिल करण का इनकार कर छो। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान सदर के लिखल जवाबी खत में चयो है त असेंबली टुटण ते इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख दियण की पाबंद ना है। इलेक्शन की तारीख दियण सूबन के गवर्नर जो अख्तियार है। पंजाब ए केपी के गवर्नर्स अञा ताईं चूंडुन जी तारीख नाहे डिनी। सदारती आफिस सां चूंडुन बाबत मुशावरत में शामिल नाहियूं थिया। मामला अदालतुनि में ॿुधणी हेठा आहिनि। सदर रियासत जो सरबराह आहे उन जो संदसि उहिदे मुताबिक़ एतराम कयूं था। इलेक्शन खां भॼण वारनि मां नाहियूं चाहियूं था त मर्कज़ ऐं सूबनि में इलेक्शन गडियल तौर ते निगरान हुकूमत की मातहत थियन जी को आंगुर न खणी सके। रावलपिंडी में जलसे के खिताब कदे राणा सनावला चयो त हाणे सूबन में ऐं टिन महीननि बाद मर्कज में इलेक्शन थींदी त इमरानी टोले के इल्ज़ाम जो मौको न मिलंदो। बनकर में लिखी वेठल इमरान जेल भरियो तहरीक जा ऐलान पियो करे। इमरान खान भली जेल भरियो तहरीक शुरू करे खैसि अहिड़ो जवाब ॾींदासीं जो हमेशा लाइ यादि कंदो। परडेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी जो म्यूक सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास दौरान साइडलाइन से अहम मुलाकातू। बिलावल भुट्टो जरदारी से उर्दन के नायब वजीर आजम ए परडेही वजीर एमन अल सफियादी की मुलाकात बेतरफा लागापा ए आला सतही राबता वधाने ते इतफाक। परडेही वजीर फनलैंड के हमनसद से भी मुलाकात कई। इस्लामाबाद में फनलैंड जो सफारतखानो बेहर खोलने की आजा। परडेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी से माल्टा के हमनसद भी मुलाकात कर मुख्तलिफ मामलन ते ख्यालन जी डेवट कई। सदर आरिफ अलवी पांजे ओदे ए किरदार के समझे कैश टाइगर फोर्स जी मेंबर तौर कम न करण घुर्जे। सूबाई वजीर शर्जील मेमण जो सदर आरिफ अलवी जे बयान ते रदअमल। पांजे ट्वीट जरिए शर्जील मेमण चयो त सदर पाक फौज जो सुप्रीम कमांडर है। बदकिस्मती सा सदर जो पुट फौज खिलाफ मुहिम में मुलविस है खेण शर्म अचण घुर्जे। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। उसको नाहल कराएं जेल जाएं नाहल कराएं जैसे भी जो करना चाहें करके देख लें। ये मुल्क इनसे नहीं संभलेगा। और अगर 30 अप्रैल से पहले
कोई इस मुल्क में बड़ा हादसा हो गया तो मुझे जिम्मेदार न ठहराया जाए। मुल्क के वजीर दिफा ने बहुत अहम और बहुत ही हसास वक्त पर एक बयान दिया है और मैं समझता हूँ वो सच्चा बयान है और तमाम लोगों को बैठना चाहिए, इलेक्शन की डेट देनी चाहिए और इमरान खान को नाइल करार देने की या गिरफ्तार करने की गलती नहीं करनी चाहिए। सदर फौरी इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफा दें। क्यों बैठे हैं वहां इतने बड़े घर में, जाएं अपने दंदा साजी के वहां पे काम करें जाकर। आधा सामान छोड़कर आए हूं, अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। सदर आरिफ अलवी सूमर खां गो चुनन की तारीख जो ऐलान करे या इस्तीफा दई वही दंदन की किले निकल आए। लाहौर में मीडिया से गालाइंदे शेख रशीद हुकूमत चाहे थी त मर्कज ए सूबन की गडियल इलेक्शन थे उन चुनन में देर जहा हरबा इस्तेमाल क्या पे वन। इमरान खान चवंदो त जेल भर तरीक की शुरुआत मां पांजी गिरफ्तारी दियण से कंदुस। ख्वाजा आसिफ एतराब किया है त मुल्क जो डेवालो निकरी वो है। मरियम नवाज में हिम्मत आए त बुधाए कें जी हुकूमत है। इमरान खान सुभाणे लाहौर हाई कोर्ट आडो पेश थींदो या न, संदस वकील ए तर्जमान जे बयानन में तज़ाद। इमरान खान जे पॉलिटिकल सेक्रेटरी चयो आहे त इमरान सुभाणे लाहौर हाई कोर्ट आडो पेश थींदो। पीटीआई चेयरमैन जे वकील अज़हर सिद्दीक चयो आहे त इमरान खान जो अदालत में पेश थियण वारो मामलो सिक्योरिटी क्लियरेंस ते अटकियल आहे। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलियो त अदालत में पेश थींदो। शिबली फराज चयो आहे त इमरान खान जी पेशी लाइ हयाती खे खतरे सबबि इमरान खान जी सिक्योरिटी क्लियरेंस कराई वञे जै बाद हू पेश थींदो। लाहौर हाईकोर्ट हिफाज़ती ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते सही मुख़्तलिफ़ हुअण ते इमरान खान खे सूमर ॾींहुं पेश थियण जो हुकुम ॾिनो हो। पाकिस्तान हिन वक़्तु संगीन मुआशी बुहरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे ऐं मईशत जे बहितरी लाइ IMF खां मदद घुरे पियो। पाकिस्तान ते जोर ॾेई रहिया आहियूं त निजी शोबे में सुठो कमाईंदड़नि खे टैक्स नेट में आंदो वञे ऐं गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ खे ख़तमु कयो वञे जीअं अमीरनि खे फ़ाइदो न थी सघे। IMF जे सरबराह क्रिस्टल हिना जार्जेवा जो चवणु आहे त पाकिस्तान खे अहिड़ा क़दम खणणु घुरिजनि जेके मुल्क हलाइण लाइ अणटिर हुजनि ऐं कर्ज़नि जी अदायगी में संगीन हालतुनि खे मुंहुं न ॾियणो पवे। हिन भेरे IMF जी पॉलिसी ग़रीब अवाम जो तहफ़ुज़ आहे। मुंहिंजी दिलि पाकिस्तान जे अवाम लाइ धड़के थी छो त उते ॿोॾि वॾी तबाही आंदी ऐं हिकु हिसो आबादी मुतासिर थी आहे। अगर हमें आज के सियासी निज़ाम में सलाहियत नजर आती, वो काबिलियत या वो अहलियत नजर आती मुल्क के मसाइल को हल करने की, तो हम उस प्लेटफॉर्म से बात कर लेते। आप सिर्फ ये नैब को ले लें, आज हुकूमत क्यों नहीं चलती, उसकी एक बुनियादी वजह नैब है। इंतखाबात आइन कहता है इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका आइन ये कहता है अगर मुल्क के मसाइल कुछ ऐसे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इसका फैसला अदालत में जाकर होगा। सियासी निज़ाम में उहा अहलियत न आहे जो मुल्की मसला हल करे। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी मुल्क जी मौजूदा मुआशी सूरतहाल जे ज़िमेवारनि जो तइन करण लाइ कमीशन जोड़ण जो मुतालबो करे छॾियो। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शाहिद काकान अब्बासी चयो त हिक ॿिए खे जेल में रखण सां मुल्क जा मसला हल न थींदा। कमीशन जोड़ी वञे जेका फ़ैसिलो करे त मुल्क खे मौजूदा सूरतहाल ते पहुचाईंदड़ जो ज़िमेवार केरु आहे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो चवणु आहे त दहशतगर्दी जी वधंदड़ लहर सियासी पार्टियुनि जी नाकामी आहे। दहशतगर्दी जहिड़े मसले ते बि सियासी क़यादत गॾु न थी वेही सघे। APC सॾाइण बाद मुलतवी कई वई। दासू डैम बिजली मनसूबो सिंधु दरिया जो कुदरती रुख मोड़े वियो। दासू डैम पावर प्लांट जी अॾावत लाइ हिकु पासे खां सिंधु दरिया जो रुख मोड़ण लाइ ठहियल टिनल मुकमिल। सिंधु दरिया कुदरती वहकिरे बदिरां अथरादू ठहियल टिनल ज़रिए वाहियो वियो। इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त मनसूबे जो ॿियो टिनल अप्रैल ताईं मुकमिल कयो वेंदो। गर्मियुनि में सिंधु दरिया में इज़ाफ़े बाद ॿिए टिनल मां बि पाणी गुज़रण शुरू थी वेंदो।
पुलिस चीफ जी ऑफिस ते हमले में जख्मी थियल पुलिस अलकार दम दई छडियो शहीदन जो अंग वधी पंज थी वयो केपीओ ऑफिस ते हमले में जख्मी थियल कांस्टेबल अब्दुल लतीफ जो सिक्योरिटी जोन ते मुकरर हो हमले में मुलविस जवाबदारन जे सहूलतकारन जी गिरफ्तारी लाए छापा जारी जांच टीम मुख्तलिफ इलाइकन मां शकी जवाबदारन के गिरफ्तार करे वरतो पुलिस जरियन जो चवण आहे त जवाबदारन जे सहूलतकारी जे शक में गिरफ्तार कयो वियो आहे टिन जवाबदारन जे नाला जियो फेंसिंग में आया आहिनि कराची पुलिस चीफ जी ऑफिस ते हमलो कंदड़ टिन दहशतगर्दन सा गड ब सहूलतकार भी मौजूद हुआ बई सहूलतकार दहशतगर्दन के केपीओ ऑफिस देखरण बाद फरार थी वया केपीओ ऑफिस ते थियल हमले जी एफआईआर में निकशाफ कराची पुलिस ऑफिस ते हमले जो केस सरकार जी फरियाद ते सीटीडी थाने ते दाखिल कयो वियो एफआईआर जे मतन मुजिब टिन दहशतगर्दन फैमिली क्वार्टर जूं तारूं कटे कराची पुलिस ऑफिस में दाखिल थिया दहशतगर्दन हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल कया एक दहशतगर्द चौथी मार ते जवाबी कार्रवाई में मारजी वयो बे दहशतगर्द पान के धमाके से उड़ायो ए टे दहशतगर्द के इमारत की छत से मारियो वयो सोशल मीडिया ते पाबंदी मड़ियल तंजीम हमले की जिम्मेवारी कबूल कई पुलिस हमले में मुलविस बिन्ही सहूलतकारन की गोला शुरू कर छी मीरपुर माथिलो में डोहारन सा मुकाबले में शहीद थियल अलकार जी जनाजे नमाज अदा कई वही मड़ मिट्टी मां हवाले शहीद अलकार मुश्ताक गडाणी जे गोठ गुल बैग गडाणी में जनाजे नमाज बाद मड़ अबाणी कब्रिस्तान में मिट्टी मां हवाले कयो वियो जनाजे नमाज में एसएसपी गोटकी सियासी ए समाजी शख्सियतुनि शिरकत कई उबावड़ो जो वी डी अग अगवा थियल पेशावर वासी बसगा बाहर बाजियाब भूंग की रकम भी पुलिस मुजिब मुगविन के रावती के कचे में ऑपरेशन दौरान बाजियाब कराया वो है ऑपरेशन दौरान 50 लाख रुपया भूंग की रकम भी कई वही है मुगवी सालार ए मसूद पठान के वी डी अग अगवा कर वो हो बख्शापुर भरसा गोठ हेबत खान गोलो में गोला बिरादरी की बिन धुरन में पुराने तकरार तां झेड़ो एक पीरसन मारजी वयो धुरन में जेड़े दौरान लठियों ए सरोटा लगन सबब 60 बरन जो सोनू खान गोलो मारजी वयो सकरन में जवाबदार नवीद उमरानी पिस्टल जा फायर करे नसीर अहमद उमरानी के कतल करे छड़ियो मुल्क में महंगाई पेट्रोल अटे के अघन में वाद खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जो सिलसिलो जारी कंबर मटियारी कोठड़ी कशमौर मीरपुर माथिलो वाढ़ दुदापुर ए दखण समेत मुख्तलिफ शहरों में महंगाई खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कया वा मुजाहरी हुकूमत पेट्रोल ए आम वापे की शयन के अघन में गाटे टोड़ वाद कर जीण जंजाल बणा छो है बिन वेलन की मानी खाण भी दुख्य बणी वो है हथराधु महंगाई कदड़न खिलाफ भी कार्रवाई नी कई वे आम वापे की शयन के अगते जब्तो आने हथरादु महंगाई ए जखीरा अंदोजी कदड़न खिलाफ कार्रवाई कई वे सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में रोड हादसन के नतीजे में नीगर समेत बजना फौत एक जख्मी जेकबाद के मोची बस्ती में ट्रैक्टर ट्राली के टक्कर में 8 वरन जो नैक मोहम्मद लाचारी फौत वो मड़ अस्पताल मुंतकिल कर कानूनी कार्रवाई बाद वारस हवाले कर वो न्यू सईदाबाद भरसा
ट्रालर के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार रेहान जुबैर फौत एक निगर जख्मी थी पयो। पीएसएल 8 में कराची किंग्स ए लाहौर कलंदर्स में मुकाबलो जारी। पेरी मैच में मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के 52 रन शिकस्त दई छी। पेरी खेडंदे मुल्तान सुल्तान 191 रन्स जो हदफ दिनों। इस्लामाबाद यूनाइटेड की समूरी टीम 138 रन से ढेर थी वही।